अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे डॉक्टर शाहिद साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आज आपसे हम आए मिलने यहाँ पे, इसका मकसद हमारा ये है कि आपके काफ़ी कुछ ज़्यादा फैंस हैं, फैन फॉलोइंग बढ़ चुकी है आपकी काफ़ी कुछ एक साल में। तो ये है कि इस एक साल में ना लोग आपके काफ़ी फैन बने और काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि इन एक्चुअल डॉक्टर शाहिद नदीम यहाँ पे जो ये स्टूडेंट्स आते हैं, कंसल्टेंसी है, एडवाइस कंसल्टेंसी के नाम से बहुत माशाल्लाह नाम आपने कमा लिया कम वक्त में, अल्लाह पाक आपको आगे भी कामयाब करे। तो आपके कुछ फैंस हैं जो ये जानना चाहते हैं कि आपका रीज़न क्या था, आपने शुरू कहाँ से किया और जो है आप इसको क्या समझते हैं कि आप सक्सेसफुल हो, अनसक्सेसफुल हो, यहाँ किर्गिस्तान में BBS आप करें, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो साथ साथ हम अपने क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, पहला क्वेश्चन डॉक्टर साहब ये है कि आपने स्टार्ट कहाँ से लिया, एक बात। दूसरी बात ये कि आपने मतलब कैसे आइडिया आपको आया कि आपने मतलब इतना काम करना है, वर्क करना है और स्टूडेंट्स लाने हैं, और मतलब ये काम एक्चुअली है क्या? क्योंकि लोग ये समझते हैं कि इसमें पता नहीं क्या हो रहा है, कंसल्टेंट्स को क्या फायदा हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि इन एक्चुअली ये है क्या, क्यों आपने शुरू किया? जी प्लीज। जरूर, मैं जस्ट आपको अपनी सबसे पहले तो थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा कि मैंने ये काम स्टार्ट क्यों किया और एक्चुअली मैं इसमें मेरे क्या मकासद थे। तो आज से 5 साल पहले जब मैं यहाँ आना था, मैंने उससे पहले की थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा। एंट्री टेस्ट जब मेरा क्वालिफाई मैं नहीं कर पाया था और जब मैं जो है मेरे FSC में वैसे 970 नंबर थे और मैं एंट्रेंस टेस्ट में मेरे जो है मार्क्स थोड़े से कम आए, तो मैं बहुत डिसहार्ट हो गया, मेरे वालदैन बहुत डिसहार्ट हो गए क्योंकि उनका ख्वाब था कि उनका एक बेटा डॉक्टर भी हो, बाकी मेरे भाई इंजीनियर्स ऑलरेडी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद से मैं बहुत डिसहार्ट रहा। एक साल मैंने रिपीट किया, रिपीट करने के बावजूद जब मेरा पाकिस्तान में एडमिशन नहीं हुआ तो मुझे जो है मेरा अपना ख्वाब और मेरे वालदैन का ख्वाब टूटता हुआ दिखाई दिया और मैंने जिस कर्ब से और जिस तकलीफ से गुजरते हुए अपने वालदैन को देखा और वो मैं उस चीज का अंदाजा या मैं लगा सकता हूँ या मेरे वालदैन को पता कि वो किस तकलीफ से गुजरे। तो जैसे जैसे मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कम्प्लीट होने वाली है, तो पाकिस्तान जाने से पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसा काम कर जाऊं जो आज तक किसी ने नहीं किया। तो मेरा जस्ट और जस्ट ये था कि जिस तरह मेरे वालदैन उस तकलीफ और उस कर्ब से गुजरे हैं, उसी तरह हर पाकिस्तानी बच्चे के जिसका पाकिस्तान में एडमिशन नहीं होता है उसके वालदैन उससे उसी तकलीफ से उसी कर्ब से गुजरते हैं। तो मैंने ये काम जस्ट और जस्ट इसलिए स्टार्ट किया, मेरा एक ख्वाब है कि पाकिस्तान के हर घर के अंदर एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, हर वालदैन का ख्वाब पूरा हो, हर पाकिस्तानी बच्चे का डॉक्टर बनने का ख्वाब, जिसका ख्वाब होता है कि वो डॉक्टर बने जिंदगी में, इंजीनियर बने। तो मैं जस्ट पाकिस्तान को पढ़ा लिखा पाकिस्तान देखना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। और सेकंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ वो ये है कि डॉक्टर साहब ऐसा होता है पाकिस्तान में मतलब ये सीनियर है कि MBBS के लिए मतलब आपको डोनेशंस देने पड़ते हैं अगर आप MCAT क्लियर नहीं करते और मतलब 100 लवाजमत आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे बच्चा जब आता है किर्गिस्तान या कजाकिस्तान या ये जितना रशियन फेडरेशन है, सपोज आप कर लो यूक्रेन या ये जितने रशियन फेडरेशन आ रही है, ठीक है, यहाँ बच्चा आता है तो उसके जो एक्सपेंसेस होते हैं क्या आप ये समझते हैं कि वो एक्सपेंसेस पाकिस्तान में अगर बच्चा पढ़ेगा उससे कम होंगे? एक बात। दूसरी बात, जो स्टडी स्टैंडर्ड है, थोड़ा सा स्टडी स्टैंडर्ड के मुतालिक बताएं कि यहाँ पे पढ़ाई मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है या जो है बहुत ज्यादा ईजी है, ठीक है। तो ये बता दें कि क्योंकि स्टूडेंट्स को यही होता है कि यार हम वहाँ जाएंगे पता नहीं वहाँ टीचर्स होते हैं नहीं होते हैं, पढ़ाई होती है नहीं होती है, ऐसा ना हो हमें कोई कुछ आए ना और बाद में हम पैसे वेस्ट करके आ जाएं, थोड़ा सा इस हवाले से भी गाइडलाइन दे दें आप। सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है कि यहाँ पे एक्सपेंसेस कितने हैं, तो मैं उसका आंसर देना चाहूंगा। एक्सपेंसेस यहाँ पे पाकिस्तान से बहुत कम है, ठीक है, पाकिस्तान से हाफ से भी कम है। यहाँ पे पाकिस्तान में आप डोनेशंस देते हैं, अभी डोनेशंस देते हैं पाकिस्तान में जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के तहत जो है बहुत सारे बच्चे जो है वो पाकिस्तान में अब अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान में मिनिमम 12-13 लाख रुपया साल का आपका MBBS कलेक्ट जाता है, तो यहाँ पे तकरीबन उससे हाफ एक्सपेंसेस में ये कंट्रीज जो है रशियन फेडरेशन है सारी, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, या इसके अलावा यूक्रेन भी है, तो यहाँ पे जो MBBS है पाकिस्तान से काफी कम एक्सपेंसिस के ऊपर है। और दूसरा बात जो आपने कही कि स्टडी स्टैंडर्ड कैसा है यहाँ पे, तो स्टडी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे स्टडीज काफी अच्छी है,
यहाँ पे इनका एक्सटेंडेड है। और दूसरा सबसे बड़ी बात जो बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि पीएमडीसी कल को पास होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे तकरीबन अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज ने पाकिस्तानी टीचर्स को जो है हायर किया हुआ है, पाकिस्तानी प्रोफेसर जो है यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। वो जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जितने भी, एनाटॉमी, फिजियो, हिस्टोलॉजी, वो यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंडियन टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, इंडियंस के लिए एमसीए की तैयारी करवा रहे हैं, पाकिस्तानी जो है वो अपनी पीएमडीसी की कोचिंग क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट करवाते हैं। स्टडी स्टैंडर्ड्स जो है पिछले एक दहाई के अंदर यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रूव हुआ है, जो कि हम पहले सुनते होते थे कि इन कंट्रीज से पढ़ा हुआ बंदा जैसे चाइना का डॉक्टर चाइना के माल जैसा होगा, अब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टडी स्टैंडर्ड बहुत इंप्रूव हुआ। रशिया के डॉक्टर्स को कुछ आता जाता नहीं है। अब जो आप जाके देखें पाकिस्तान में पीएमडीसी का जो मेन ऑफिस है उसमें पूछें कि कितने परसेंट जो है रेशियो है इन बच्चों की पीएमडीसी पास करने की, और इन बच्चों की एफसीपीएस आगे पास करने की कितनी रेशियो है। जो फॉरन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं, एफएमजीज हैं, एफसीपीएस में सबसे ज्यादा यही लोग क्वालिफाई करते हैं। जी अच्छा जी, और डॉक्टर साहब ये जरा हमें बताएं कि यहाँ पे जो बच्चे आ रहे हैं, ठीक है पढ़ रहे हैं, पढ़ाई तो यहाँ हो ही रही, तो यहाँ पे इनको क्योंकि मेन चीज होती है क्लिनिकल्स ना, क्लिनिकल्स के हवाले से बच्चे बड़ा परेशान होते हैं क्योंकि आउटसाइड ऑफ द कंट्री वो ये सोचते हैं कि शायद हमें सिर्फ थियोरेटिकल्स पढ़ाएंगे और क्लिनिकल्स हमारे नहीं होंगे, या जो है वो सिर्फ हमें स्लाइड्स पे पढ़ा देंगे। तो ये भी बच्चों को एक क्वेश्चन है कि वो आया यहाँ पे बुक से भी पढ़ाते हैं कुछ, थोड़ा सा इस बारे में भी बता दें, क्योंकि ये एक है सवाल कि यहाँ पे एफिलिएटेड कितने हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, और यहाँ पे कितना बच्चा क्लिनिकल अपने परफॉर्म कर सकता है, लाइक उसकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है वो कितने परसेंट तक कवर हो जाती है। तो जो आपने क्वेश्चन किया है कि यहाँ पे क्लिनिकल्स का क्या है और क्या बुक्स फॉलो करवाते हैं या नहीं करवाते हैं, बुक्स जो यहाँ पे फॉलो करवा रहे हैं, जो जैसे पाकिस्तान में बच्चे पढ़ते हैं डिफरेंट बुक्स हैं, डिफरेंट ऑथर्स हैं, तो यहाँ पे पीएमडीसी के लिए जो बुक फॉलो करवाते हैं या फर्स्ट एड करवाते हैं या कैप्लान सीरीज से बच्चों को फॉलो करवाया जाता है कि आप कैप्लान पढ़ें, ताकि आपको आप कल को यूएसएमएलई भी लाइफ में अगर आप देना चाहते हैं तो आप यूएसएमएलई अचीव कर सकें। दूसरा आपने क्लिनिकल्स का बताया कि यहाँ पे जस्ट जैसे हम सुना करते थे जब मैं भी यहाँ आने लगा था, मैंने भी बहुत सुना कि यहाँ पे क्लिनिकल्स नहीं है, तो टोटली जो है ये एक र्यूमर है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स अटैच हैं, जैसा कि किर्गिस्तान है तो यहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन, उसके साथ वेदांता उनका अपना हॉस्पिटल है, यहाँ पे नेशनल हॉस्पिटल है, इसके अलावा हॉस्पिटल नंबर 6 है, तकरीबन 10 से 15 हॉस्पिटल्स हैं जो इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ अटैच हैं। इसी तरह इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, एशियन मेडिकल इंस्टीट्यूट है, उनके भी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनके साथ उनकी एफिलिएशन है, वहाँ पे बच्चे जाके क्लिनिकल्स करते हैं। जहाँ पे एक क्वेश्चन जो बहुत बच्चे करते हैं, उनके वालदैन करते हैं कि लैंग्वेज बैरियर होता है पेशेंट को, अगर फॉर एग्जांपल इंग्लिश आती है, इंग्लिश नहीं आती है, तो वो आपके साथ किस तरह जो है करते हैं। तो मैं सब वालदैन को ये बताना चाहूँगा, उन बच्चों को ये बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पे रशियन एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ साथ, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स के साथ साथ, तो क्लिनिकल यहाँ पे थर्ड ईयर से स्टार्ट करवाई जाती है, तो थर्ड ईयर तक आपको इतनी रशियन आ जाती है या चाइनीज आ जाती है या यूक्रेन जो वहाँ पे इंग्लिश जो है जहाँ भी मतलब बच्चा पढ़ रहा है चाइना में, जी तो आपको इतनी लैंग्वेज आ जाती है कि आप पेशेंट के साथ इजीली जो है आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, तो ये जो है लैंग्वेज बैरियर बिल्कुल नहीं है कि बच्चे जो है पेशेंट्स के साथ कैसे डील करते हैं। तो काफी जो है अच्छा यहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर बच्चों को मिलता है। जी अच्छा, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर शाहिद साहब, यहाँ पे एक और चीज़ सवाल और पूछता हूँ जो मेन क्वेश्चन आता है कि बच्चा जब यहाँ आ जाता है उसको ये आजकल ये जो वीज़ा ऑन अराइवल यहाँ पे किर्गिस्तान में हुआ है पाकिस्तान के लिए, बड़ी खुशाइन बात है हमारे लिए कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पे गामजन है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन पेरेंट्स जब वहाँ से अपना सारा प्रोसीजर कर लेते हैं तो उन्हें ये चीज़ समझ में नहीं आती कि वीज़ा ऑन अराइवल कैसे है, यहाँ पे एम्बेसी बच्चा क्यों नहीं जा रहा, और जो है टिकट ऑन बोट, ये मेन क्वेश्चन है कि टिकट ऑन बोर्ड और ये सारा क्या मामला है, तो प्लीज इस पे भी जरा कुछ। एक्चुअली मैं इस चीज के ऊपर जैसे इतना बताना चाहूंगा कि 2 साल पहले जब ये मैंने ये काम स्टार्ट किया था, तो जितने भी बच्चे होते थे उनका यहाँ से इनविटेशन जब निकलता है एडमिशन लेटर के बाद, उन्हें पाकिस्तान में एम्बेसी में जाना पड़ता था। एम्बेसी में जाने से पहले बच्चे को पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, IBCC टेस्ट से जो है अटेस्टेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर्स से अटेस्टेशन, ये और जो जिस बोर्ड से मुतल्लिका बोर्ड से उन्हें FSC मैट्रिक की होती थी वो करवाना पड़ता था। तो आजकल जो है पिछले 1 साल से रूल चेंज हुआ है, बच्चे को कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ना IBCC, ना फॉरन अफेयर्स, ना उसे अपने बोर्ड से अटेस्टेशन करवानी, किसी किस्म की अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, ओके टू दी जो है वीजा ऑन अराइवल है। ठीक है, वीजा ऑन अराइवल का मतलब है कि आपके पास इन्विटेशन लेटर होगा, इन्विटेशन लेटर आपने लेना है और उसी इनविटेशन के ऊपर आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए जो मोस्ट सूटेबल एयरपोर्ट्स हैं पाकिस्तानी बच्चों के लिए, मुल्तान एयरपोर्ट और फैसलाबाद एयरपोर्ट से बच्चे इजीली फ्लाई करते हैं। एयरपोर्ट की मैनेजमेंट जो उनकी इंतजामिया है बहुत अच्छी है, बच्चों को तंग नहीं करते। और दूसरी सबसे बड़ी बात, बच्चा
बहुत सारे जो टिकटिंग एजेंट्स हैं पाकिस्तान में, उन्हें नहीं पता कि बच्चा इनविटेशन पेपर फ्लाई कर जाता है, जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, हमें भी आती है, बच्चों के वालदैन को भी आती है, कि वो जब टिकट खरीदने जाते हैं किसी टिकटिंग एजेंट के पास तो वो कहते हैं कि हमने तो अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा आज तक कि बच्चा बगैर वीज़े के फ्लाई कर जाए, ठीक है। तो इस चीज़ से जो है मैं उनको ये बताना चाहूँगा कि ओके टू दी बोर्ड का जो स्टेटस है फ्लाई दुबई से, जो पाकिस्तान से बच्चे आते हैं उनको ये करवाना लाजमी है, एयरपोर्ट के ऊपर चेक किया जाता है कि बच्चा ओके टू दी बोर्ड है। ओके टू दी बोर्ड का मतलब है कि उसके ऊपर लिखा होता है स्टेटस के ऊपर कि मिनिस्ट्री ऑफ किर्गिस्तान जो है अलाउ करती है बच्चे को फ्लाई करने के लिए, फ्लाई दुबई इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबल है, बच्चा यहाँ पे आएगा और मिनिस्ट्री ऑफ किर्गिस्तान इस चीज़ को जो है ना वो करती है, मानती है कि जब बच्चा यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुंचेगा मनहास इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर तो उसे वीजा दिया जाएगा। तो ये सारा ये प्रोसेस है। और इस सारे प्रोसीजर के दौरान जब बच्चा यहाँ आ जाएगा तो उसे जो वीजा मिलेगा दैट वुड बी टेम्पररी वीजा फॉर 1 month और 3 months, राइट? और उसके बाद जो है ये वीजा एक्सटेंडेबल है और एक्सटेंड इसको यूनिवर्सिटी ही करेगी। डेफिनेटली जब बच्चा यहाँ पे आ जाता है तो फिर वो यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जिस भी यूनिवर्सिटी के इन्विटेशन पे बच्चा आता है तो उस यूनिवर्सिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे के आगे फर्दर 5 years के जितने भी वीजे हैं यूनिवर्सिटी ने एक एक साल का दे के वो खुद यूनिवर्सिटी ने जो है एक्सटेंड कर देते हैं। चलिए जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, तकरीबन हमारे तमाम क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके आज हमें। और एक और सिर्फ एक रिक्वेस्ट है आपसे कि लास्ट मैसेज आप क्या देना चाहेंगे वीडियो के इख्तिताम पे? मैं अपना जो मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी वालदैन हैं पाकिस्तानी या जितने भी जो है बच्चे हैं वहाँ पे मुझे देख रहे हैं, मैं जस्ट इतना कहना चाहूंगा कि आप जो है अपना 100% दें। आपके आजकल एग्जाम्स हो रहे हैं, FSC के आने वाले दिनों में एग्जाम्स होने वाले हैं, आप अपना 100% दें एग्जाम्स में। और बच्चों के जितने वालदैन हैं उन्हें कहूँगा कि आप अपने बच्चों को बूस्ट अप करें कि वो पाकिस्तान में उनका कहीं ना कहीं का एडमिशन हो जाए, पाकिस्तान में ही अगर वो कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है। और अगर खुदा ना खास्ता उनका पाकिस्तान में एडमिशन नहीं होता है तो ज़रूर हमसे रब्ता करें, हम बच्चों की रहनुमाई करेंगे। डिफरेंट कंट्रीज़ में हम डील कर रहे हैं इस टाइम, ग्लोबली हम जो है इंटरनेशनली हम जो है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डील कर रहे हैं, आप ज़रूर हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम आपके बच्चों की रहनुमाई करेंगे, आपके बच्चों के फ्यूचर बनाने के लिए आपके साथ काउंसलिंग करेंगे और इंशाल्लाह उनको जो है दुनिया की जो वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आपके बच्चों का एडमिशन करवा के देंगे। जी थैंक यू सो मच शाहिद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। जी थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।